ఎన్ఐ న్యూస్ తాండూరుకు స్వాగతం. ఎంఐఎం పార్టీ అధ్యక్షులు హాదీపైన అనవసర ఆరోపణలు చేయడం తగదు. ఎంఐఎం పార్టీ పట్టణ కార్యదర్శి బీరా యూనెస్ నాయకులు. ఎంఐఎం పార్టీ అధ్యక్షులు హాదీపై అసత్య ప్రచారాలు చేయడం తగదని ఆ పార్టీ పట్టణ కార్యదర్శి పార్టీ నాయకులు పేర్కొన్నారు. ఆదివారం ఎంఐఎం పార్టీ అధ్యక్షులు హాదీ పట్ల మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చేసిన ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. అభివృద్ధి విషయంలో ఏ పనిని తాము అడ్డుకోలేదని, కోర్టు ద్వారానే పరిష్కారం చేసుకున్నామని అన్నారు. లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఐఎం పార్టీ నాయకులు యూనస్, సాబిర్ నబీ తదితరులు ఉన్నారు. అబ్దుల్ హాదీ షహరీ సాహబ్ కో ఇత్తలా ది గయి థీ కి యహాన్ పర్ కుచ్ పోలీస్ వాలే ఔర్ కుచ్ జిమ్మేదారా యహాన్ పర్ తర్కారీ బేచనే వాలాం కో తక్లీఫ్ దే రహే హై. యహాన్ సే యే తర్కారీ మార్కెట్ ఖాలీ కర్ కర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్ మే జానే కా జో వాదా కియే థే ये लोग इसमें फेल हो गए. इसका पूरा क्रेडिट जनाब महेंद्र रेड्डी और रोहित रेड्डी साहब को जाता है. उन लोगों की जिम्मेदारी थी. भाई बरकाता हूँ. कल जो वाक्या पेश आया सरकारी वालों का, इसमें से मैं भी होलसेलर हूँ. जो सुबह से जो मसला चल रहा था अल्लाह को से बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, अच्छा चल रहा था. हमारे चेयरमैन साहबा उन्होंने भी आके डिसीशन दिए, ऐसा नहीं ऐसा करो तो ठीक है बोल के बोले, बता के गए. बता के जाने के बाद हमारे जो मार्केट के चेयरमैन है विठल नायक जो बोले हैं हमारे हादी साहब के बारे में, जो टाउन प्रेसिडेंट के बारे में, बिल्कुल सरासर गलत है. और इन्होंने जो बोले हैं विठल नायक साहब, उनकी एक बात को भी हम साबित नहीं कर सकते. परसों जो हाल वाक़ा हुआ, हादी भाई ना खुद से नहीं है, इनको हमारे मुख्तार नाथ साहब फोन करके बुलाए इनको. जब हादी भाई फोन करके मुख्तार साहब बोले भाई यहाँ पर जुलूमरा आइए, वो तो जब हादी भाई आके ये सब साल करे भाई. इन्होंने हमारे विठल नायक साहब काउंटर दिए, वो घर का वो तुम्हारा बिल्डिंग ये कह रहे बिल्डिंग के बारे में तुम बीच में है, डेवलपमेंट के बारे में बीच में है, फलाने रिंग रोड के बारे में बीच में. बिल्कुल सरासर गलत है. हम इसको कंडम करते हैं. ऐसे बातों से कुछ होने वाला नहीं है. आज जो माहौल है कोविड का माहौल चल रहा, हम इसको पूरे मिलकर ऑल पार्टीज मिलकर कॉपरेट करके इसको लेके चलना है. हर एक भाई को हमारे जो भी हो उनको, ये सियासत करने का खतरा नहीं है. हमारे अनिल है उन्होंने बोले खबरदार, ये बातों से कुछ होने वाला नहीं है. हम ना सियासत करने आए हैं ना सियासत करेंगे. ये कोविड का मसला है, कोविड के मसले को हम लेकर चलना है. हमारे एमएलए साहब भी है, हमारे एमएलसी साहब भी है, हमारे एमपी साहब भी है, और केटीआर साहब और हमारे केसीआर साहब, असद साहब, अकबर साहब को कितना क्लोज में अलायंस में जो चल रहे हैं, कितना बड़ा आज सबूत है हिंदुस्तान में. आज जो टीआरएस और एमआईएम अलायंस होकर क्या चल रही है आप सब जान सकते हैं. हमारे विठल नायक साहब, आप ये बात बोल के दद्दमा गिद्दमा ये सब बोलने की बात नहीं है. और हारी साहब की कोई गलती को तांडू में कोई नहीं पकड़ सकता, कोई साबित नहीं कर सकता. मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, सियासत मत कीजिए, सियासत करना अभी बहुत टाइम बाकी है. अब फिलहाल कोविड का जो मसला चल रहा, जो सोशल डिस्टेंस जो चल रहा, इसके बारे में हम सोच के हर एक हमारे भाई को बचाना है, इस बीमारी से बचाना है. मैं पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो बेचारे हमारे आवाज़ से रात दिन मेहनत कर रहे, रात दिन नींद छोड़कर हमारे आवाज़ से बेचारे हमारे आवाज़ से तकलीफ़ उठा रहे, अब नींद को कुर्बान कर रहे पुलिस वाले. अल्लाह उनको अच्छा रखो, अल्लाह उनको और हिम्मत और ताकत दे उनको. मगर मैं फिर एक बार विठल नायक साहब से बोल रहा हूँ, आइंदा ऐसा बात मत करो. और अनिल को भी बोल रहा हूँ, ऐसा बात नहीं करना. खबरदार बोल के अगर कुछ गलती हुई है बुलाओ हमारे को, हम बरोबर बैठ के बात करेंगे, उसका मसले का हल करेंगे. मैं मेरी बात